बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हूं कैसे जब तक संघ चुनाव नहीं। नमस्कार, प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। शायद यही कारण है कि योगी जब जब दहाड़ लगाते हैं तब तब विरोधियों की नींद हराम हो जाती है। आज घाटी के शांत वादियों में सीएम योगी ने सियासी पारा हाई कर दिया। सीएम योगी ने पाकिस्तान को जमकर धोया, लताड़ लगाई और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसलिए आज इंडिया न्यूज कह रहा है जम्मू कश्मीर से, जम्मू से जिन्ना लैंड पर चढ़ाई, विरोधियों को लताड़ लगाई। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का वीर कौन होगा ये तो आगामी नतीजों में ही तय हो पाएगा, लेकिन रण में वीर बनने के लिए बीजेपी ने अपने महावीरों को मैदान में उतारा हुआ है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए भेजा। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष और पाकिस्तान पर जमकर सियासी प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि पीओके को लेकर भी उन्होंने ऐलान कर दिया और कहा कि अगर घाटी में बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर पीओके भारत का हिस्सा होगा। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल यह कि पाकिस्तान पर योगी प्रहार, क्या पीओके होगा अब की बार? योगी की आतंकियों को ललकार, पाक में क्यों हाहाकार? आतंकियों को किसका साथ, भारत में नहीं बनेगी बात? योगी का संदेश, सियासतदानों में क्यों मचा कलेश? सीएम योगी का बयान क्या है सियासत का काम? तो सुलगते सवालों पर आज आपको सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा, सवालों की बौछार की जाए, लेकिन उससे पहले आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनवाते हैं। डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का वहां पे विराजमान होना इसका उदाहरण है। एक बात समान रूप से है, जब अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़े थे तब जो लोग इसमें बाधक थे, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं अभी कुछ देर बाद, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं, ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न दो गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। बैनर भाइयों, परिणाम क्या रहा? पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। जम्मू कश्मीर के बारे में, जब भारत के बारे में बात आती है, ये चुनाव इस बात को भी प्रदर्शित करने वाला है। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे जब तक संघ चुनाव नहीं है। बहनों भाइयों, पाकिस्तान आज परेशान है दो कारणों से। एक,
अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। बलूचिस्तान कहता हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, बलूचिस्तान को के लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की हुकूमत कहती सारी विदेशी है। ये बलूचिस्तान के लोग अपने को अलग कह रहे हैं। और याद रखना, याद रखना, भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है पाकिस्तान को, दो टुकड़ा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। 1960 के जल बंटवारे का मतलब अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है, अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। बहरहाल आतंकवादियों को योगी ने खुली चेतावनी दे दी है। सीएम का साफ कहना है कि ना तो आतंकवादियों को कफन नसीब होगा और ना ही दफन होने के लिए दो गज जमीन नसीब होगी। तो हमारे साथ चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद है। अजीत प्रताप सिंह, रेजिडेंट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जी, आपका स्वागत है। जे एस सोढ़ी, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ हैं। सोढ़ी साहब, आपका स्वागत है। अमित कुमार, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता चंचल यादव हैं। चंचल यादव जी, आपका स्वागत है। और सुधा मिश्रा, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुधा मिश्रा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अजीत जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, आज का बयान योगी आदित्यनाथ का कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राज्य मंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान था जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बहुत सारे मायने हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी हार्ड कोर लाइन को ले ली है, जिसके लिए वो जाने जाते, जिसके लिए वो 2017 के पहले से जाने जाते हैं। और वही लाइन है जिसने योगी आदित्यनाथ को देश ही नहीं दुनिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा मशहूर किया। और योगी आदित्यनाथ की जो स्ट्राइक रेट है लगभग 70-90% है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में बहुत सारी रैलियां की थी। देश के अंदर अगर बात करें तो मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की डिमांड है वो योगी आदित्यनाथ की है। आज सिर्फ उन्होंने जो चौपाई पढ़ी, जो उन्होंने कविता पढ़ी, उन्होंने मन से कहा कि हम बचपन से कविता पढ़ते आए, वो पाकिस्तान के लिए था, वो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए था। और वो कविता इसलिए बताना जरूरी है कि जो लोग डिबेट में जुड़े हैं, हमारे अलग अलग दलों के प्रवक्ता साथी, उनको ये जानना जरूरी होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्या मैसेज दिया, क्या ये मैसेज सरहद के पार जाएगा। इसके बहुत सारे मायने हैं, तो इस मैसेज को बताना बहुत जरूरी होगा। पराग जो उन्होंने कहा कि बिना सिंध के हिंद कहां है, राबी बिन जाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे जब तक संग चिनाब नहीं। इसके मायने हैं, इसके मायने ये हैं कि हम भारत की धरती से उस पार जाएंगे और पाक अधिकृत कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे। अखंड भारत की जो परिकल्पना है उसको बार उन्होंने जो बात कही कि अखंड भारत की परिकल्पना को हम साकार करेंगे। और देखिए, अखंड भारत कहाँ था, अगर महाभारत काल में जाइए तो कंधार नरेश कौन था, शकुनी। तो उसके आधार पर अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री ने बहुत ही हार्ड लाइन लिया और उन्होंने ये बता दिया कि जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएंगे, उन्हें ना तो दो गज जमीन मिलेगी ना ही कफन मिलेगा। और एक बड़ा संदेश उन्होंने घाटी से दिया, जम्मू कश्मीर की धरती से दिया, जहां जैसे जब वो सहारनपुर में जाते हैं, गाजियाबाद में, तो देवी बनाम देवबंद, तो सीधे तौर पर उनका जो कहना होता है, उनका यही बार बार कहना था कि अब वो समय आ गया है जब अखंड भारत की परिकल्पना होगी और हर जगह जो है उनकी जो हार्ड लाइन है, जो बीजेपी की राष्ट्रवाद की लाइन है, उस पर आज उन्होंने बिल्कुल 100% की मोहर लगा दी कि जो हिंदुस्तान के पक्ष में होगा वो हिंदुस्तान में रहेगा। अगर आप बाहर बैठकर सरहद के उस पार बैठकर हिंदुस्तान का विरोध करते हैं तो आपको हिंदुस्तान छोड़ने वाला नहीं है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं। और आज जिस तरह की कविता पढ़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसने जो सरहद के पार पाकिस्तान में बैठे जो उनके आका है, चाहे ISI हो, चाहे आतंकी संगठन हो, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अशांति फैला रखी है, कितने लंबे समय बाद चुनाव हो रहा, उनके लिए संदेश था कि चिनाब के बगैर कुछ होता नहीं, तो झेलम से लेकर चिनाब तक, जम्मू से लेकर कश्मीर तक और POK वो हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, ये लगातार मंत्री बोलते नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह जो है धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से कश्मीर में हुआ, आपने बुरहान बानी को देखा, आपने बड़े बड़े टेरिफ से जिनका एनकाउंटर हुआ, कश्मीर 6 महीने तक जलता रहा, अब वो समय आया जब हिंदुस्तान
कश्मीर में जाने पर लोग कहते थे आप इंडिया से आए हो, अब कोई नहीं कह सकता आप इंडिया से आए हो आप, क्योंकि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन चुका, धारा 370 35 ए को देश के संविधान से हटाया जा चुका है, जो कश्मीर का संविधान था उसको अब शामिल कर लिया गया है, अब हिंदुस्तान के हिस्से के तौर पर। देखिए 370 1947 से जब से देश आजाद हुआ था पराग, तब से किसी भी सरकार ने इसे हटाने की कुवत नहीं थी, किसी ने इस हिम्मत नहीं जुटा पाई, बीजेपी ने किया। तो आज कुल मिलाकर हम जो बात कर रहे थे डिबेट के मुद्दा इधर उधर ना जाने पाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि जो देश के साथ खिलवाड़ करेगा उसे ना तो कफन मिलेगा और ना ही दो गज जमीन मिलेगी। तो शायद ये संदेश था और ये बड़ा संदेश है घाटी के लोगों को और सरहद के उस पार बैठे पाकिस्तान के उन आकाओं को जो ये सपना देखते हैं कि कश्मीर को हम भारत से अलग कर देंगे। पराग, ठीक है, जे एस ओडी साहब कैसे देख रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ के इस बयान को, इस पूरे भाषण को? जहन पराग जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। जो योगी जी ने बयान दिया है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की, उस पर दोबारा सोच विचार होना चाहिए, मैं उनके ये बयान से बिल्कुल सहमत हूं। क्योंकि जब ये ट्रीटी बनाई गई थी 64 साल पहले, तब दोनों देशों की जनसंख्या बहुत कम थी, हालात अलग थे, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब इस संधि पे दोबारा बातचीत होनी चाहिए और भारत को उसका हक मिलना चाहिए। इस वक्त पूरी जनसंख्या की पॉपुलेशन को देखे दोनों देशों की, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है इस वक्त। लेकिन जो दूसरी बात है कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को लेंगे, इसे मैं सैनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा, दो तीन मिनट आपसे चाहूंगा। देखिए, पिछले साल 7 अगस्त 2023 को जनरल एमएम नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने पिछले साल एक लेख लिखा था द प्रिंट में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगी। अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए हम लड़ाई की बात करते हैं, तो हमें एक चीज याद रखनी होगी, हमारा ये युद्ध सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगा, हमारा ये युद्ध पाकिस्तान चीन के साथ टू फ्रंट वॉर होगी, क्योंकि चीन के इस वक्त 65 बिलियन अमरीकी डॉलर लगे हुए सीपेक में, जिसका एक बड़ा हिस्सा पीओजेके में से जाता है। तो अगर हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे पीओजेके के लिए, चीन भी इस युद्ध में आएगा। इसी साल 5 फरवरी 2024 को डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल अमरीका की एक सरकारी एजेंसी ने अपना एक रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से चीन पाकिस्तान और भारत के आपस में तनाव बढ़ रहे हैं, ये तीनों देश एक वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो सारी टाइमलाइन पब्लिक डोमेन में ये टू फ्रंट वॉर लेके जा रही है 2035 में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी, दिक्कत इसलिए पैदा होगी पराग जी, क्योंकि आज की तारीख में चीन भारत से 30 साल आगे है सैनिक तैयारी में, मिलिट्री प्रिपेयरनेस में। अगर पाकिस्तानी सेना का भी पलड़ा चीन की सेना में जोड़ा जाए, तो ये पलड़ा और चीन और पाकिस्तान की तरफ झुक जाता है। इसलिए जो जनरल नरावने ने ये लेख लिखा, उसमें काफी दम है। हाँ, पीओजेके आ सकता है भारत में, अपने आप चल के आ सकता है, जिस दिन वहां के लोग डिसाइड करें कि हमने भारत में विलय होना है। सैनिक तरीके से लेना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन सबसे आसान तरीका है वहां के लोग राइजिंग करें और खुद बोलें कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं। ठीक है, सोडी साहब आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपको और विस्तार से मैं समझूंगा इस पूरे मुद्दे को आपसे। अब पॉलिटिकल चर्चा पर मैं जाता हूं, हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। मैं अमित कुमार जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद चंचल जी और सुधा जी आप दोनों के पास आऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, एक विशाल रैली को उन्होंने संबोधित किया है, तमाम सारी बातें पाकिस्तान को लेकर और विपक्ष को लेकर भी उनकी तरफ से कही गई, चुनाव को लेकर खासतौर पर उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। क्या विजन है आप लोगों का जम्मू कश्मीर को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन पूरा तरह से क्लियर है, और आज जो बयान है योगी आदित्यनाथ जी का पाकिस्तान को लेके या कश्मीर को लेके आया है, वो वही विजन को दर्शाता है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से अभी सोढ़ी जी बोल रहे थे कि किसी में हिम्मत नहीं था, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई 2014 में आई, तब से लेके कश्मीर को लेके उन्होंने विशेष रूप से विशेष ध्यान देने का उन्होंने काम किया। और आप जानते हैं
370 और 35A धारा को यदि भारतीय जनता पार्टी ने वहां समाप्त किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त किया गया, और एक तरह से कहें तो पूरी सरकार वहां पे आज तक जितनी सरकार परिवारवाद का हम नाम ले लें, अलग अलग परिवारों की सरकार थी, किस तरह से जम्मू कश्मीर जल रहा था, किस तरह से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी, ना वहां ठीक ढंग से रोजगार था, ना ठीक ढंग से पीने का पानी उपलब्ध था, ना सड़क उपलब्ध थी, लोग जाने से डरते थे, पत्थरबाजों का रोल कहीं बहुत बड़ा रोल वहां पर हुआ करता था, और जिस तरह से पूरी तरह से जम्मू कश्मीर और घाटी शांत हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल ये 370 का हटना है। और हम तो प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं कि उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आज एक शांत वातावरण वाला देश बन गया है। आज ऐसा देश बन गया है जहां पर 22-22 देश के राजनयिक जा रहे हैं और चुनाव को देख रहे हैं। आज ऐसा देश बन गया है जहां पर मतदान का प्रतिशत इतना है, लोग इतने उतारू हैं मतदान करने के लिए और सरकार के लिए कि आश्चर्य लगता है कि वही जम्मू कश्मीर क्या पहले की है या आज की है। जम्मू कश्मीर वहां के लोगों में शांति प्रियता का जो एक तरह से कहें तो पूरी तरह से सुरक्षा का भाव, सुरक्षा का दृष्टि और सुरक्षा को लेके उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनको दर्शाता है। और जिस तरह से विकास की बात करें, विकास जम्मू कश्मीर में विकास की बात करें, आने वाले 3-4 सालों में जो विकास का काम वहां पर हुआ है और जो युवाओं को रोजगार मिला है, युवाओं को नौकरी मिली है, युवा ज्यादा अच्छी तरह से यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, युवतियों को रोजगार मिला है, महिलाओं को रोजगार मिला है, ठीक और है। जिस तरह से पूरा पूरा जम्मू कश्मीर एक तरह से कहें तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, आज वही योगी जी का जो आज भाषण था कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है कि हम। और दूसरा विषय, दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि योगी जी यदि आज बोले हैं कि पीओके के बारे में बोले हैं तो वहां की लोगों की सोच के बारे में बोले हैं। जो पीओके के लोग आज चाह रहे हैं, पीओके के लोग चाह रहे हैं कि हम भारत में किस तरह से शामिल हो, भारत में हम किस तरह से आए, वो सोच को आज योगी जी ने वहां रखने का काम किया है। ठीक है। चंचल यादव जी, पाकिस्तान में खलबली योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर, इसको क्या इस तरह से देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खलबली आपके चैनल पे दिख रही है। ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी वहां चुनावी रैली करने गए थे, लंबी लंबी छोड़ के आए हैं। अक्सर के छोड़ने की आदत है बीजेपी के नेताओं की। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ना जाने क्या क्या छोड़ते रहते हैं, विदेशों में जाकर छोड़ते रहते हैं। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, आज की न्यूज है, आपने देखा होगा, तालिब हुसैन शाह जो बीजेपी का सोशल मीडिया का जम्मू का प्रभारी है, जिसके पास से 2 AK राइफल, ग्रेनेड और 4 गोला, मतलब काफी सारा गोला बारूद बरामद हुआ है, आतंकवादी एक्टिविटी में लिप्त पाए गए। तो सबसे बड़ा सवाल आज का ही है ये कि आप मुझे बताओ कि बीजेपी से, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति, आखिर उसको रिपोर्टिंग, उसकी रिपोर्टिंग किस बड़े नेता को थी, सबसे पहला सवाल। दूसरी बात मैं बताता हूँ, बीजेपी का आपने अभी हम बात कर रहे थे बड़ी बड़ी, आपको याद होगा इस 2017 में बीजेपी के जो है ISI से ध्रुव ध्रुव सक्सेना, मध्य प्रदेश आईटी सेल का प्रभारी, राज पुरोहित राजस्थान का, ये दोनों तीनों जो है बीजेपी ISI के साथ मिलीभगत मिली थी, जिसमें बीजेपी का कनेक्शन मिला था। तीसरी बात मैं बताता हूँ, आपको याद होगा 2016 में ISI को बकायदा इनवाइट किया बीजेपी ने, जो भी हमारे अमित भाई ने बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे पठानकोट आने के लिए, आइए आप यहां जांच करिए, हमारे ब्लास्ट हुआ था। तो ये बीजेपी की पॉलिसी है, मैं इतनी बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। और जसविंदर सर हैं, थोड़ी साहब हैं, आप मुझे बताओ, रिजांगला का बीर अहिर धाम इन भाजपाइयों ने तो चौपट कर डाला, किसको दे दिया, कहाँ है? और आप कहते हो ना कोई आया था, ना कोई जो है कब्जा किया है, ना कोई कुछ किया है। आप एक बार भी चाइना के साथ झूला झुलाने वाले प्रधानमंत्री, हमारे उसके राष्ट्रपति को एक बार भी बोलने की हिम्मत कर पाते हो क्या चाइना के खिलाफ? आप श्रद्धेय नेता जी, हमेशा लोकसभा से लेकर के हर जगह इस बात का बात करते थे, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही है, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई अगर दुश्मन हमारा है तो चाइना है। चाइना के लिए हमारी क्या रणनीति है? आप देखो, अगर हमारे ट्रेड, अगर आज के समय अगर देखें इंडिया और चाइना के जो ट्रेड हम देखें, तो ट्रेड हमारा जो है डेफिसिट इतना से बढ़ता चला जा रहा है, उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं सोच रही है। एक तरफ हम चाइना को जो है ट्रेड करके जो है उनके काफी काफी सारी चीजें हम जो है आयात कर रहे हैं, उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ठीक वहीं है। दूसरी बात, हम वहां जा रहे हैं भाषण देने के लिए, तो जहां पे जो है क्या नाम है, लंबी लंबी छोड़ के चले आ रहे हैं। अरे ठीक आप ये है। बताओ, अगर आपकी पॉलिसी है
अगर आप इस तरीके से बातें जो कर रहे हो, अगर करना है तो कुछ धरातल पे करके दिखाओ। आप मुझे बता दो, पुलवामा का अटैक हुआ, 40 जवान हमारे शहीद हो गए, आप मुझे बता दो आज तक जांच हो पाई क्या, जांच भी क्या मिला? लेकिन यही आपको देखो, अगर आप बात करोगे, मैं तो इस बात को मानता हूं कि जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो बांग्लादेश, जो पाकिस्तान बड़ा चिल्ल पुकार रहा था उस समय, दो फाड़ करके दिखाया और 91,000 सैनिकों को घुटने के बल टिकवाया, ये गट्स था। और आज वहीं पे बांग्लादेश में जब क्राइसिस आता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं मिलते हैं, वहां हिंदू मुसलमान एंगल दिखाया जाता है। अमित भाई आप खुद सोचो कि अगर हमारी अगर पॉलिसी की बात करोगे आप, तो बीजेपी कहीं ठहरती भी नहीं है। और मैं बता दूं, अगर इनका इतिहास देखिए, सुनिए इनका इतिहास देखिए, तो जासूस आजादी से लेकर के जासूसी का इतिहास रहा है। चलिए मैं आऊंगा सुधा जी के पास, इन लोगों ने थोड़ा सा बचा के रखिए अगली बार के। अमित जी रुकना होगा थोड़ा सा, अमित जी रुकना होगा, एक रिएक्शन पहले सुधा जी से पहले लूं, फिर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, प्लीज रुकिए, आप थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। ठीक है अमित जी, राहुल जी कितनी बार बोल रहे हैं, कितनी बार बोल चुके हैं, चिंतन कर लीजिए। लोकसभा, आप लोकसभा में डिबेट सुनिए, श्रद्धे नेताजी, 4 साल 5 साल में एक बयान भी आप लाके दिखा दीजिएगा कि चाहे अखिलेश यादव हो और राहुल गांधी। अरे लोग, ठीक है सर, चलिए चंचल यादव जी और अमित कुमार जी, अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, प्लीज मैं दरख्वास्त करूंगा आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। सुधा मिश्रा जी के पास मैं जा रहा हूँ, अभी तक उनके पास मैं नहीं गया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर एक मिनट सर, अमित जी और चंचल जी आपकी आवाज नहीं जा रही है ऑन एयर, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए सर, आप लोगों की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, आप सुन लीजिए, अब सुधा जी को भी सुन लीजिए। मैं सुधा जी के पास जाने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आतंकियों को करारा जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया घाटी की धरती पर जाकर, घाटी में जाकर, तो फिर मुझे लगता है कि सबको इसके साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर वो सियासत की भी बात कर रहे हैं तो वो सवाल भी हम पूछ रहे हैं अपने चैनल पर सर, खलबली चैनल पर नहीं है, जो खबर है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बयान है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सियासत भी हो रही है, कोई भी कर रहा सही, तो हम वो सवाल भी पूछ रहे हैं क्या सियासत भी हो रही है इस मुद्दे पर। सुधा जी कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बयानों को आज? जी सवाल फिर से करिए, मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा घाटी में, उसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? ये कहने के अलावा करते क्या है, अगर इस पे प्रश्न हो तो ज्यादा डिसीजन अच्छा हो जाएगा, विमर्श अच्छा हो जाएगा। यहाँ बैठ के मात बकैती कर लेना कि इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, इनके द्वारा ये हो गया, इनके द्वारा ये हो गया, हम ये करेंगे, इन्होंने ये नहीं किया था हम ये करेंगे, लेकिन हम करते क्या है, हम कर क्या रहे हैं, इस पे कोई सवाल नहीं होता है। बार बार एक ही चीज, धारा 370 के बाद क्या कश्मीर में सब कुछ बेहतर है? क्या कश्मीर में आतंकवादी हमले खत्म हो गए? क्या कश्मीर में जाके बाकी बाहरी जो हमारे देश के बाकी राज्यों के लोग जाके बस गए, क्या सब लोग खरीद पा रहे हैं? इसमें प्रश्न होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की समस्याओं को छोड़ के कश्मीर में जाके ये बातें कहना कि हम पीओके और न जाने क्या क्या ले लेंगे, हमारे देश की जमीन को लोग ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, जमीन के अंदर चले जा रहे हैं, विदेशी उससे चीजों से सर्वलांस से हो रहा है कि हाँ ऐसा ऑक्यूपाइड हो रहा है, चीन हो चाहे जहां पे हो, और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं। पिछले 20 मिनट से सुन रही हूँ, गाथा चल रही है भाजपा ने बहुत अच्छा कर दिया। अगर सच कुछ सब कुछ अच्छा है तो आपकी सरकारी एजेंसियों में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं देखता है? सिर्फ आपके कहने में अच्छा दिख रहा है? अगर सब कुछ अच्छा होता, अपना देश हमको बार बार ये डंका पीटना नहीं पड़ता कि हम डंका पीट के आगे पहुंच रहे हैं। लोग, पूरे विश्व के लोग हमारे साथ खड़े होके हमें बेहतर देश के रूप में देखते, ना हम कहीं गिर रहे होते भुखमरी में, ना हम कहीं गिर रहे होते पत्रकारिता में, ना हम चाटुकारिता में अव्वल नंबर पे आ रहे होते। यहाँ पे बात इस बात की के साथ हो, बर्मा भूटान के साथ हो, जिस कंट्री से हम भारत की सीमाएं सटी हुई हैं, आप बांग्लादेश बॉर्डर देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति देख लीजिए, अगर आप समय से नहीं चेतेंगे, समय से किसी काम को नहीं करेंगे, तो सियासत में करने वाले राजनीतिक दलों को हमेशा नुकसान होगा। कभी कांग्रेस सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, ये चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। ऐसे ही सत्ता पर एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी जाती है, तीसरी पार्टी आती है, बस ये होता रहेगा। लेकिन जो बात आज जम्मू कश्मीर की धरती से योगी आदित्यनाथ ने कही, उस पर सभी राजनीतिक दलों को ये छोड़कर कि वो गए चुनाव में, सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से बात करती हैं, राहुल गांधी अपने तरीके से बात कर रहे हैं, इसके साथ ही जो अगर कहा जाए, जो एक तरीके से कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरीके से बात कर रहे हैं, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप तह में जाएंगे, तो तह में जाएंगे जो हमारे प्रवक्ता साथी बोल रहे, तो सभी दलों के, उनका
जो बात थी कि भाई ठीक है अपनी अपनी राजनीति के लिए अपनी अपनी पार्टियां राजनीति करती हैं, लेकिन जब देश का मुद्दा आए तो मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि सभी राजनीतिक दलों पर वो एक मंच पर खड़े होकर और देश के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि उसमें जम्मू कश्मीर आता है, ना कि उसमें उत्तर प्रदेश आता है, ना उसमें हिमाचल पंजाब हरियाणा आता है, उसमें देश सामने होता है। और जब तक आप देश की बात एक साथ नहीं करेंगे, कहते हैं भाई एक उंगली से आप नहीं कर सकते, पांचों उंगली बांधिए तो मुट्ठी बन जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में इस बात की बहुत ही कमी है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं एक दूसरे को सियासी तौर पर देखिए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण के समय इंदिरा गांधी को सदन के अंदर दुर्गा कहा, तो बीजेपी सरकार अगर 370 हटाती है या कोई काम कांग्रेस कोई अच्छा काम करती है, कोई पार्टी अच्छा काम करती है, तो आपको उसकी सराहना करनी चाहिए। रही बात कि कौन पार्टी में कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, कौन कहां है, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी को हम बताना चाहते हैं कि अगर वहां पकड़ा गया तो 3 दिन पहले ही नेपाल बॉर्डर पर आपकी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव पकड़ा गया था, जिसके ऊपर ड्रग्स और नकली नोटों के कारोबार का बड़ा आरोप है। अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय, स्वामी विवेकानंद कहते थे अगर किसी की तरफ आप एक उंगली करेंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ रहेंगी। तो इसलिए राजनीतिक दलों से मेरा यही अनुरोध है कि डिबेट में तो ये चर्चा चलती रहेगी, लेकिन जब देश का मुद्दा आए तो सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। फराग ठीक है, मैं अमित जी रखिए अपनी बात, फिर चंचल जी आपके पास आ रहा हूँ, सुधा जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, आप अभी अजीज जी ने मुझे बोलना है। नहीं अमित जी अपनी बात रख लें, फिर चंचल जी आ रहा हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आप जवाब दीजिएगा। अमित जी, अमित कुमार जी आपको आवाज आ रही है। विषय यहाँ पर एक सिंपल सा विषय है, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम आज यदि घाटी में यदि कुछ हो रहा है, यदि कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि डेवलपमेंट। और सोडी साहब जो बात बोल रहे थे, मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ, डायलॉग्स की बात जहां तक आप कर रहे थे। आज यदि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग यदि शांति प्रिय हो रहे हैं, तो उसमें डायलॉग्स का बहुत बड़ा महत्व है। वहां की सरकार ने और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर वहां के LG ने जिस तरह से युवाओं के साथ अलग से डायलॉग किया, वहां के नागरिकों के साथ, महिलाओं के साथ अलग से डायलॉग किया, उनकी उनकी एक एक चीज को समझने का प्रयास किया, उनके विकास की गति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, आज उसी का देन है कि हम जम्मू कश्मीर को एक शांति प्रिय राज्य के रूप में देख रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है POK को लेकर जो बात हम कह रहे हैं, और ये मेरा हम लोग का भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये तो मानती है कि हमारा POK को लेकर स्पष्ट है कि हम जब तक अंतिम सांस तक कार्यकर्ता होने के नाते अंतिम सांस तक यदि POK को हम यदि भारत में शामिल कर सकते हैं तो ये हमारे लिए अभिमान का बात है। ये हमारे लिए एक तरह से कहें तो सर पे ताज रखने के बराबर बात है। और यदि ये योगी जी बोल रहे हैं तो ये कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप बोल रहे हैं, जनता के भावनाओं के अनुरूप बोल रहे हैं, और कम से कम देश की जनता के भावना के अनुरूप बोल रहे हैं और POK की जनता के भावना के अनुरूप बोल रहे हैं, और हमको इसका सम्मान करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई अन्य दल हो। मैं झारखंड से आता हूँ, आज जो झारखंड में स्थिति है पूरी तरह से, ऐसे कम से कम 5-6 जिले हैं बांग्लादेश से सटे हुए जिसका डेमोग्राफी बदल चुका है। आज वहां पर आदिवासी महिलाओं के साथ बाहर से घुसपैठिए आए हुए मुस्लिम वहां पर शादी कर रहे हैं, उनकी जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, जमीन लूटने का काम कर रहे हैं, और ये खतरनाक निशानी है। केवल मेरे परिवार को लेकर इसको चिंतित नहीं होना चाहिए, ये देश का एक एक परिवार को इसको लेकर चिंतित होना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और देश को कहाँ लेके जाते हैं। यदि इसको रोका नहीं गया, यदि इसको काबू में नहीं लाया गया, तो कहीं ना कहीं देश का अंत होने वाला है। हमारी एक यदि बांग्लादेश का एक बांग्लादेशी, एक मुसलमान रोहिंग्या, एक मुसलमान आके यहाँ बसता है तो हमारा अधिकार को छीनता है, वो हमारा अधिकार को छीनता है, हमारा राशन को छीनता है, हमारा जमीन को छीनता है, हम लोगों को कहीं ना कहीं। चंचल जी और सुधा जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, चंचल जी से बात ले रहा हूँ, फिर सुधा जी आपके पास। ठीक है अमित जी, जम्मू कश्मीर में प्रकट किया है। ठीक है चंचल जी, देखिए सबसे पहली बात तो बीजेपी के लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, अगर सीमाएं सुरक्षित हमारी नहीं है, हमारा देश का चौकीदार अगर सही से काम नहीं कर रहा है, चौकीदार बनकर के पूरे देश की रक्षा करने की बात करते थे पहले प्रधानमंत्री जी, अब बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं, आप बता रहे हो जगह जगह घुसपैठी आ रहे हैं, तो आप बताओ आप कर क्या रहे हो,
आपसे संभल रहा है देश क्या? आप बताओ तो शर्म की बात है? आपको पहनना चाहिए चूड़ी तो आपको पहनना चाहिए कि आप लोग के समय का अच्छा ऐसे लोगों को डिबेट में आप जो डिबेट की मर्यादा नहीं जानते इसे बोलते हैं आप लोग के समय का उनको बताइए पहले ये रोड पे बैठ के रोड गली छाप डिबेट नहीं हो रही है चैनल इतना बड़ा प्लीज नीचे आप भाइयों को प्लीज रुक जाइए सब बात आती है जाइए एक एक करके प्लीज ठीक है अमित कुमार जी सुन लेते हैं एक बार चंचल जी को और सुधा जी को क्या बोल रहे हैं आप जवाब दीजिएगा क्या बैठ के बात ठीक है अमित जी इनको शांत कराइए पहले ठीक है ये जाके बिरयानी खाने वाले लोग मैं निवेदन करूंगा एक एक करके सीमा पार से बिरयानी खा आते हैं और जाकर के बदले में केक काट के आते हैं ये सीमा की सुरक्षा के लिए इनसे आज अगर अगर देश की विदेश नीति इतनी इतनी वर्ष कंडीशन में चल रही है अगर आप नेपाल हमें आज नेपाल हमारे लिए शब्द बोलता है जो नेपाल हमारा एक मित्र राष्ट्र हुआ करता था आज नेपाल तक चाइना ने अपनी रेलवे लाइन बिछा डाली है क्या बात करोगे आपको कुछ पता भी है अमित कुमार जी सुन लेते एक बार चंचल जी को ठीक है सर ठीक है हो गया सर प्लीज 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 ऐसे नहीं होगा सर प्लीज मैं सभी को शांत करूंगा प्लीज नहीं सब सभी सभी का ऑडियो डाउन है किसी की आवाज नहीं जा रही है ऑन एयर प्लीज मैं दरख्वास्त करूंगा निवेदन करूंगा धैर्य रखिए थोड़ा सा एक एक करके बोलिए ताकि जनता भी समझ पाए दर्शक समझ पाए आप लोग क्या बोल रहे हैं किसी की आवाज नहीं जा रही है प्लीज शांत हो जाइए सभी लोग शांत हो जाइए आवाज नहीं जा रही है किसी का ऑडियो नहीं जा रहा हूं यार प्लीज शांत हो जाइए अमित जी आप शांत हो जाइए प्लीज चंचल जी आप भी मैं आ रहा हूं मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं चंचल जी अपनी बात रखिए फिर सुधा जी आपके पास आ रहा हूं चंचल जी देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बात मैंने सवाल किया जब अगर सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो भी सरकार क्या कर रही है दूसरी बात आप अगर देखें हमारी विदेशी पॉलिसी अगर देखें तो आज के समय में हालत यह है कि नेपाल में जो चाइना ने अपने रेलवे लाइन तक बिछा डाली है और ये सोडी साहब को भी पता होगा सबको जानता है और मैं बता दूं आज जो हमारे जो अगल बगल के जितने देश है बांग्लादेश की हालत आप देख लो श्रीलंका की हालत आप देख लो जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है आज हमारी स्थिति वहां पर क्या खड़ी हो रही है दूसरी बात मैं एक बात ईमानदारी से पूछना चाहता हूं पठानकोट में जब आपने आईएसआई को बुला करके जांच कराई थी क्या विपक्ष को आपने उसमें भरोसे में लिया था पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा था कि नहीं आप जो है विदेशियों को यहां पे बुला करके पाकिस्तानियों को बुला करके जांच कराने का काम मत करिए आईएसआई को बुला जांच करने का काम मत करिए लेकिन आपने किया और उसके बाद क्या हालत हुई उसके बाद आपने देखा पुलवामा अटैक हुआ और आज भी पूरा विपक्ष एक जाय होकर इस बात की बात करता है कि भाई कम से कम उसकी जांच हो उसमें जो भी वो गाड़ी कहां से आई जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो लेकिन सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं है कौन लोग मिले हुए उससे थे वो भी कुछ पता नहीं जांच भी पता नहीं कर पाई सरकार और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री चौकन्ना रहने की बात करते चौकीदार चौकन्ना है तो आप मुझे बता दो कि आज आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो जम्मू कश्मीर में आए दिन घटनाएं होती हैं हमारे सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं आप बताओ सरकार क्या कर रही है और इतने नहीं मैं बता दूं आपको अगर हम बात करें वहां पर कईयों एक लमसम मेरा ख्याल एक साल तक तो नेट बंद रहा तकरीबन वहां पे और ये हालत कर रखी थी आपने हम कह रहे हैं कम से कम जनता को विश्वास में लेकर के लोकतंत्र है लोकतांत्रिक देश है सारी पार्टियों को विश्वास में लेकर के कोई काम करिए लेकिन जितने सरकार जितने भी फैसले अभी तक लिए सारे के सारे पिछले दरवाजे से और रात्रि में लिए हैं फैसले चाहे नोटबंदी का फैसला हो चाहे जीएसटी का फैसला हो चाहे कोई भी फैसला अगर आप देखो तीनों काले कानून हो तब कभी डिबेट नहीं करना चाहती मैं सोनी सर की बात से बहुत सहमत हूं कम से कम हमारे जो है बातचीत होकर के हमारी चीजें होके होनी चाहिए लेकिन ये सरकार कभी बातचीत नहीं करना चाहती है यहां तक कि प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट से बात नहीं करना चाहते हैं इनके कैबिनेट मंत्री हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं वित्त मंत्री को पता नहीं था नोटबंदी हो गई गवर्नर को पता नहीं था नोटबंदी हो गई क्या बात करोगे आप और आज सुनिए और आप चाइना के राष्ट्रपति को बुला के झूला झुलाते हो तब नहीं सोचते हो आप जाके पाकिस्तान बिरयानी खाते तब नहीं जोड़ते ठीक है तो आज कम से कम ठीक है सोचना चाहिए आज हिंदुस्तान की हालत देखो हम लोग तो भाई वीर रंगला अहिर धाम जो था थोड़ी सर बताइए मैं अब निवेदन करूंगा चंचल जी से और अमित जी सुधा मिश्रा जी बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रही उनकी बात को भी सुनना बहुत जरूरी है सुधा जी अपनी बात रखिए क्योंकि विपक्ष को लेकर या कांग्रेस पार्टी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि आप 370 का समर्थन करते हैं क्यों करते हैं ये समर्थन किसने कहा कि हम समर्थन करते हैं ये बात कहां से आई क्या 370 वापसी का समर्थन करते हैं हमारी पार्टी की तरफ से क्या ये कभी कहा गया कि हम 370 का समर्थन करते तो विरोध भी नहीं करते हैं हटी 370 तो ठीक हुआ ये स्टैंड आप लोगों का है वापसी का समर्थन तो आप लोग कर रहे हैं ना विपक्षी पार्टियां कर रही हैं ये तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम 370 वापस लाएंगे खुलेआम बोल रही हैं मैडम कौन बोल रहा है
खुलेआम बोल रहे हैं, विपक्ष का ये बयान तो है आपको पता होना चाहिए नहीं कि जब 300 तो आप ये मान रहे हैं कि 370 खत्म किया बीजेपी सरकार ने वो ठीक किया। आपका एक स्टैंड होगा ना मैडम, मैडम एक स्टैंड होगा आपका, या तो हाँ या ना। प्रश्न पराग जी सुनेंगे, बोलिए। केंद्र सरकार में आपके पास संख्या नहीं होगी, कोई भी कानून आप बदल नहीं सकते हैं, तो ये बात भूल जाइए। यहाँ पे आपको लोगों को वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन वही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान चल रहा है, चलने दीजिए। नहीं तो बात ये भी है ना कि बयान फिर क्यों दिए जा रहे हैं ऐसे? अरे फिर वही बात, 370 हटने का विरोध क्यों हो रहा है फिर? कहां से आप लोग लेके आ रहे हैं? आप लोग सवाल भी तो ये उठाते ना कि 370 क्यों हटाई और उसको हटाकर क्या कर लिया? नहीं बोलने देना है तो बोलिए, पर बोलिए आप जवाब दीजिए। क्यों हटा के रखा आपने? बोलिए मैडम, बोलिए, आपको बोलने के लिए बोला। जवाब दीजिए सुधा जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सुधा जी, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सबको एक साथ होना चाहिए, साथ में कोई कैसे होगा? 10 साल से बिना किसी के डिसीजन से हर कोई चुनाव में, हर कोई सदन में सब कुछ पारित कराया जा रहा है, किसी से कोई चर्चा नहीं, जनता से नहीं, विपक्ष से नहीं, विपक्षियों को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश इस देश में की जा रही है। अभी हमारे झारखंड के प्रवक्ता भाई जुड़े हुए हैं, यूपी में हाथरस में एक घटना हुई है, जिस संविधान में संविधान के बनाने वाले लोगों ने प्रावधान किया था कि इस देश में सरकारें वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाएंगी, उसी देश के, उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक छोटे बच्चे की बलि दे दी गई है ना, और वहां कश्मीर में बैठ के बातें हो रही है बड़ी बड़ी, एक छोटे बच्चे की हिफाजत नहीं हो रही है, क्योंकि आप अपने देश में वैज्ञानिक सोच नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, अंधविश्वास और धार्मिक उन्मादता के तहत इस देश को चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं आप। वो छोटा बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं थी, बच्चे की बलि दी गई क्योंकि स्कूल चलेगा। अच्छा, हाथरस की घटना है, आप सबको पता होगी, आज कल की घटना है ये, इस पे कोई डिसीजन नहीं होगा। आपने मुझसे पूछा कि क्यों बयान दिया रहे हैं, बयानों की बात करेंगे तो लंबी फहरिस्त में उठा के लगा देंगे, कभी काले कानून वापस लाने के लिए भाजपा की प्रवक्ताएं, भाजपा के सांसद कह रहती है उस पे कोई चर्चा नहीं, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते हैं ना, हाँ ना, उसकी बात कौन करेगा? मैंने कहा जब आप जानते हैं कोई भी अध्यादेश जब तक सदन में संख्या नहीं होगी आप नहीं कर सकते हैं, तो जब नहीं कर सकते हैं बात ही खत्म है, कोई कुछ भी बोले वो कानून चेंज नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कह के जब देश में वैज्ञानिक सोच आप नहीं आने देंगे, इस देश का आप भला नहीं करना चाहेंगे, आपको सिर्फ उल जुलूल कहना है। मैं तो कहती हूँ आइए साथ में बैठिए, बात करिए विपक्ष और पक्ष को, तो यहाँ पे विपक्ष नहीं बचा है ना, यहाँ पे विपक्ष का मतलब दुश्मन मान के इस देश में उसको समाप्त करने की बात। संवैधानिक बैठ पे बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री है, वो कहता है कि इस देश में कभी जो पैदा हुआ 2014 के पहले वो सोचता था कि क्यों पैदा हो गए, मतलब हम क्यों पैदा हो गए, विदेशी धरती पे बैठकी से बात की जाती है और कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं इस देश में अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो पहले हुआ उसकी बात ना करके आज हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या ये सरकारें डिसीजन करती है? अजीत भाई से पूछना चाहूंगी, मैं तो कह रही हूँ आइए बैठिए बात करते हैं, करता कौन है? सिर्फ मात्र चुनाव जीतने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, इस देश में अंधविश्वास, इस देश में धार्मिक उन्मादता और युवाओं को बेरोजगार करके उनके द्वारा अपने चुनाव जीतने के रूप हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, ये तो हो रहा है। शिक्षिकाओं में रोज देख रही, पिछले इसने 5-6 सालों से कोई वैकेंसीज नहीं आई है, पद खाली पड़े हैं, तो प्रश्न क्या होगा कि बच्चे जो युवा हैं वो नौकरी छोड़ के क्यों नहीं कुछ और करते, कहां से करेंगे? बच्चे उनको पढ़ा रहे हैं कि उन्हें कुछ बनना है, और अगर सरकार में प्रावधान है कि सरकारी नौकरियां हैं उन पे बच्चे आने चाहिए तो क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी बात कौन करेगा? बड़ी बड़ी बातें कह दीजिए कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया, एक पेपर तक तो आप करवा नहीं पाते हैं, एक जो सरकारी नौकरियों में जो रिक्त स्थान है उसको भर पाते नहीं है आप, सरकारी नौकरियों को देने के लिए कहते हैं बच्चे पकौड़े बेच लें, चाय बना लें, नाली से गैस निकाल लें, तो जब आपकी सोच ही वैज्ञानिक नहीं है, अब इस देश में मात्र उन्माद फैला के, वैचारिक उन्माद। आज हाथरस की घटना देखने के बाद मन इतना उत्क्षिप्त हो गया है कि स्कूल जो सबसे सेफ होता था किसी भी अभिभावक के लिए, वहां भी अब बलि दी जा रही है, जिन अंधविश्वासों को राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों के शासन में लड़ते हुए देश से मुक्त करने की बात की थी, वहां भी सब होने लगा है फिर से, और हम बात कर रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, डंका बजा रहे हैं, और जाके पीओको और डरने क्या क्या लेने की बात कर रहे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश बचाइए, देश बचाइए, और जो कुछ आपके पास जनता के रूप में है 140 करोड़ जनसंख्या, उसको बचाने और आगे बढ़ाने की बात करिए। बहुत बातें हो गई, झूठ 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 की राजनीति के तहत जो चुनाव जीतने का आपका मसौदा है उसको छोड़ के देश के हित में बात करेंगे तो सब साथ में बैठेंगे, क्योंकि इसके पहले राजीव गांधी जी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था प्रतिनिधिमंडल में तो वहां पे राजनीति थी और वो शुचिता और जो संभाव था वहां पे वो था, कोई किसी ने नहीं कहा, स्वयं अटल जी ने कहा जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब उन्होंने इस बात का उद्धरण दिया, राजीव गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने किसी की सहायता की या क्यों की, तो ये राजनीति का रूप था। आप ला पाएंगे? आप लोग तो किसी एक बोले हुए विरोधी को खत्म करने के लिए न जाने कितने कोशिश करते हैं,
राहुल गांधी जी के बारे में कैसे कैसे लांछन लगा के कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करके उन्हें समाप्त करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ना होती तो शायद उनका सांसदीय अवस्था और अपने उसमें कामयाब हो जाते। तो इस देश में प्रश्न खड़ा करने वाले की आवाज दबाने की जो चीजें हो रही है उस पर प्रश्न खड़ा करिए और जो नहीं हुआ उसको करके बेहतर करने की बात करिए। अगर किसी ने अच्छा नहीं किया तो आप अच्छा करिए ना, एक माइलस्टोन बनाइए। किसने रोका है आपको? लेकिन नहीं, अपने पूर्वजों को गरिया के अपने पूर्वजों के बारे में बुरा करके आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। पूर्वज नहीं कर पाए, आप करके दिखाइए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन नहीं, बस कांग्रेस ने कहीं यही नहीं किया, कांग्रेस ने यही नहीं किया। ठीक है सुधा जी, कांग्रेस ने ठीक है। अजीत जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका संक्षिप्त में। देखिए पराग, मैं इतना ही कहूंगा कि चूंकि ये बहस जो आज शुरू हुई योगी आदित्यनाथ के कश्मीर के उस बयान पर हुई कि बिना सिंध के हिंद कहा, राबी बिन पंजाब ने गंगा आखिर खुश हो कैसे जब तक संग चिनाब, इसका मतलब क्या था? इसका मानी नहीं था कि योगी आदित्यनाथ ये कहा तो ये हो जाएगा, इसका एक संदेश था, उन्होंने एक संदेश दिया। और देखिए, मैं कश्मीर को बेहतर तब मानूंगा पराग जब कश्मीर में कोई इनकाउंटर होता, जब हमारे सैनिक शहीद होते हैं और जो आतंकवादी हमारे सैनिकों को शहीद करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, कश्मीर के किसी भी व्यक्ति में ये हैसियत नहीं है कि उनको ये कह दें कि आतंकवादी है। उनको क्या कहा जाता है? मिलिटियन बोला जाता है, मिलिटेंट्स बोला जाता है। वो वहां के क्रांतिकारी नहीं है, वो इस देश के आतंकवादी। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि उनको पोलिटिकल पार्टियों का आश्रय है, उनको संरक्षण। संरक्षण कौन देता है? जो वहां पर शासन करती है, जो वहां पर राजनीति करती है, अलगाववाद की राजनीति हो, सत्ता की राजनीति हो। अजीत भाई, आज ही पकड़ा गया एक आतंकवादी बीजेपी का। देखिए बिल्कुल पकड़ा गया। देखिए ये तो उसके ऊपर भी थोड़ा लाइन बोल दीजिए, हम लोग चाहते हैं। अरे बिल्कुल बोल देंगे, मैंने इसके पहले भी बोला कि वो पकड़ा गया, उसकी भी जांच होगी। लेकिन मैंने ये बात आपको भी कही कि सवाल करना आप लोग बंद कर दीजिए। तीन दिन पहले रिपोर्टिंग किसको करता है भी जानकारी होनी चाहिए। ड्रग्स में पकड़ा गया, नकली नोट में पकड़ा गया, नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया है। देखिए यही मैंने कहा कि इस पर एक स्वच्छ डायलॉग होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। मैंने एक बात कही ना, जिस दिन आप कश्मीर में अटैक करने वाले आप लोग तो भाई इतने कतीदे पड़ देते सरकार के। अच्छे अच्छे, हम लोग तो सोचते हैं कि पहले दरबारी कभी हुआ करते थे राजाओं महाराजाओं के। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले दरबारी कभी हुआ करते राजाओं महाराजाओं के, तो पहले ऐसे भी कतीदे पड़ा करते थे। तो हम लोग वही सोचते हैं, आज हमारा मीडिया जो है 181 देशों में 161वें नंबर पे खड़ा है। आप तो ये नारा लगाएंगे कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे तोड़ने वाला। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है और हमारे अमित भाई कह रहे सवाल ये है। देखिए चंचल जी, अजीत जी का सवाल, अजीत जी देश की बात कर रहे हैं, अंतर सिर्फ इतना। एक मिनट सर, प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। प्लीज निवेदन है, सबसे मेरा निवेदन है, मेरा सभी से निवेदन है, थोड़ा सा शांत हो जाइए। चंचल जी, अंतर सिर्फ इतना है कि अजीत जी देश की बात कर रहे हैं और आप सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। बस इसी अंतर को समझने की जरूरत है। जब हम इस अंतर को समझेंगे तो शायद हम जम्मू कश्मीर पर एक बेहतर चर्चा भी कर पाएंगे। क्योंकि वक्त आज के लिए मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा।